यूदा मक्काबी अपने आदमियों को साथ लेकर छिपे छिपे गांवों का दौरा करता था। वे अपने संबंधियों को बुला भेजते और उन लोगों को अपने दल में भर्ती कर लेते थे जो यहूदी धर्म के प्रति ईमानदार रहे थे। इस प्रकार उन्होंने लगभग 6,000 लोगों को एकत्र किया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वह उस प्रजा पर कृपा दृष्टि करे जिस पर चारों ओर से अत्याचार किया जा रहा है, उस मंदिर पर दया करे जो विधर्मियों द्वारा अपवित्र किया गया है, उस नगर पर सहानुभूति दिखाए जिसका विनाश और पूर्ण संहार किया जा रहा है, उस रक्त की पुकार पर ध्यान दे जो उसकी दुहाई दे रहा है, उन निर्दोष बच्चों को याद करे जिनका अधर्म से वध किया गया है, और उन लोगों को दंडित करे जिन्होंने उसकी निंदा की है। जब मक्काबी ने अपनी सेना संगठित कर ली तो गैर यहूदी उसके सामने नहीं टिक पाते थे, क्योंकि अब प्रभु का कोप दया बन गया था। वह अचानक नगरों और गांवों में घुसता और उन्हें जला देता। उसने उन स्थानों पर अधिकार कर लिया जो उसके काम के थे। इस तरह उसने कई शत्रुओं को भगा दिया। वह इस प्रकार के आक्रमण प्रायः रात में किया करता। उसकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब फिलिप ने देखा कि यूदा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी विजयों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी, तो उसने केले सीरिया और फेनिके के शासक पतोलेमेउस को पत्र लिखकर निवेदन किया कि वह राजा का पक्ष सुदृढ़ करने के लिए सहायता भेजे। उसने तुरंत पत्रक्लस के पुत्र निकानोर को, जो राजा का एक घनिष्ठ मित्र था, बुला भेजा। उसे विभिन्न जातियों के कम 20,000 सैनिकों का सेनापति नियुक्त किया और समस्त यहूदी जाति का संहार करने यहूदिया भेजा। उसने सेनापति गोर्गियस को भी उसके साथ कर दिया, जो अनुभवी एवं युद्ध निपुण सेनापति था। निकानोर ने सोचा कि राजा रोमियो को कर के रूप में जो 2,000 मन चुकाता था, वह राशि यहूदी युद्ध निपुण की बिक्री से प्राप्त हो सकेगी। उसने तुरंत समुद्र तट के नगरों में घोषणा की कि यहूदी दासों को बेचा जाएगा और आश्वासन दिया कि एक मन में 90 दास मिलेंगे। उसने उस दंड की कल्पना नहीं की जो उसे सर्वशक्तिमान की ओर से मिलने वाला था। यूदा को निकानोर के आगमन का पता चल गया और उसने अपने साथियों को इसकी सूचना दी। उनमें जो कायर थे और जिन्हें ईश्वर के न्याय का भरोसा नहीं था, वे लोग दूसरी जगह भाग गए। शेष लोगों ने वो बेच दिया जो उनके पास था और प्रभु से प्रार्थना की कि वह उन्हें उस विधर्मी निकानोर के हाथों से बचाए जिसने उन्हें युद्ध से पहले ही दास के रूप में बेचा। यदि वे बचाए जाने के योग्य ना हो तो ईश्वर उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान के कारण उन्हें बचाए, और इसलिए भी कि वे ईश्वर के पवित्र और महिमामय नाम को समर्पित हैं। मक्काबी ने अपनी सेना एकत्र की जिसकी संख्या 6,000 थी। उसने उन्हें समझाया कि वे शत्रु से नहीं डरें और गैर यहूदियों की संख्या से भयभीत ना हों जो अन्याय से उन पर चढ़े आ रहे हैं, बल्कि उनका साहसपूर्वक सामना करें। वे यह याद रखें कि उन्होंने किस प्रकार घृष्टतापूर्वक पवित्र स्थान को दूषित किया, कितनी क्रूरता से नगर को उजाड़ा और पूर्वजों के रीति रिवाजों को समाप्त किया।
उसने यह भी कहा, दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है जो ना केवल हम पर आक्रमण करने वालों का बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। उसने उन्हें उनके पूर्वजों को प्रदत्त सहायता का स्मरण दिलाया। किस प्रकार सनहेरीब के 185,000 आदमी मर गए थे। उसने उस लड़ाई की भी याद दिलाई जो बाबुल में गलातियों के साथ हुई थी। उस समय 4,000 मकेदूनियों को मिलाकर कुल 8,000 लोग थे, और जब मकेदूनियों का दल विचलित हो रहा था तो उन 8,000 आदमियों ने ईश्वर की सहायता से 120,000 लोगों को पराजित किया और लूट का भी बहुत धन प्राप्त किया। ऐसी बातों द्वारा उसने उनका साहस बंधाया और उन्हें अपने विधि निषेधों और अपने देश के लिए जीवन अर्पित करने को तैयार किया। इसके बाद उसने सेना को 4 दलों में बांटा और अपने भाइयों को अर्थात सिमोन, यूसुफ और योनातान को एक एक दल का अध्यक्ष बनाया। उसने प्रत्येक को 1,500 आदमी दिए। उसने एलआजार को पवित्र ग्रंथ का एक अंश पढ़ सुनाने को कहा। इसके बाद उसने उन्हें ये संकेत वाक्य दिया, ईश्वर सहायक है, और पहले दल के नेता के रूप में उसने निकानोर पर आक्रमण किया। उन्होंने शत्रुओं में 9,000 से अधिक का वध किया। निकानोर की सेना के अधिकांश सैनिकों को घायल और पंगु बना दिया और उसकी सेना को भगा दिया। यह इसलिए हुआ कि सर्वशक्तिमान उनका सहायक था। निकानोर के साथ जो उनके खरीदार आए थे उन्होंने उनका पैसा लूटा और काफी दूर तक शत्रुओं को खदेड़ा, किंतु दिन ढलने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। यह विश्राम दिवस का पूर्व दिन था, इसलिए उन्होंने उन्हें दूर तक खदेड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र एकत्रित किए और उनके कवच उतार लिए। इसके बाद उन्होंने विश्राम दिवस मनाया और उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति गान और धन्यवाद किया जिसने उस दिन उनकी सहायता की थी, और इस प्रकार फिर उन पर दया दिखाने लगा था। उन्होंने विश्राम दिवस के बाद अत्याचार पीड़ितों, विधवाओं और अनाथों के बीच लूट का अंश बांट दिया। जो बचा उसे अपने और अपने बच्चों के बीच बांट लिया। इसके बाद उन्होंने सामूहिक प्रार्थना की और कृपालु प्रभु से निवेदन किया कि वह अंत तक अपने सेवकों पर दया दृष्टि रखे। उन्होंने तीमोथेव और बक्खीदेश की सेना का भी सामना किया और युद्ध में उनमें 20,000 से अधिक लोगों को मार गिराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऊंचे गढ़ों को अपने अधिकार में कर लिया और लूट का बहुत बड़ा माल 2 बराबर भागों में विभाजित किया, एक अपने लिए और दूसरा भाग अत्याचार पीड़ित लोगों, अनाथों, विधवाओं और बूढ़ों में बांट दिया। उन्होंने राजधानी से अपने सभी हथियार जमा किए और उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर रख दिया। लूट का बाकी माल वे यरूशलेम ले गए। उन्होंने तीमोथेव के सेनापति का भी वध किया। वह घोर कुकर्मी था और यहूदियों का बहुत अपकार कर चुका था। जब वे अपने देश में विजय का उत्सव मना रहे थे तो उन्होंने उन लोगों को जला दिया जिन्होंने मंदिर के फाटकों को जला दिया था, और कल्लिस्थनेस को भी जिसने किसी घर में शरण ली थी। इस तरह उससे अपने अधर्म का उचित बदला चुकाया गया। महादुष्ट निकानोर जो 1,000 व्यापारियों को ले आया था जिससे वह उनके हाथ यहूदियों को बेचे, ईश्वर की सहायता से उन्हीं लोगों द्वारा नीचा दिखाया गया।
जिन्हें वह तुच्छ समझता था। उसने अपने भड़कीले वस्त्र उतारने पड़े और वह भगोड़े दास की तरह देहाती रास्तों से अकेला अंताकिया पहुंचा। उसे अपनी सेना का विनाश कराने में अपूर्व सफलता मिली। उसने रोमियों से कहा था कि वह यरूशलेम के जिन लोगों को युद्ध में दास बना लेगा उन्हें बेचकर कर चुका देगा, लेकिन अब उसे यह मानना पड़ा कि यहूदियों का एक सहायक है और वे तब तक अजेय हैं जब तक वे उसके दिए हुए विधान का पालन करते हैं।